वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पफ, जिसके लिए मैंने बर्तन में 1 पाउंड स्पून ऑयल ले लिया था। उसमें मैंने 1 प्याज और 3-4 ग्रीन चिलीज को चॉप करके ऐड कर दिया है। इसे मैं तब तक पकाऊंगी जब तक प्याज अपना कलर चेंज नहीं कर देती। देखिए यहाँ पे प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं 1/2 किलो चिकन का कीमा है उसे ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है मैंने 1 टेबल स्पून भर के। फिर सॉल्ट ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। सॉल्ट ऐड करना है हमें इसमें 1 टेबल स्पून भर के। रेड चिली पाउडर, यहाँ पर देखिए कीमे को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर दूँगी। उसके साथ ही अजीनोमोटो डालूँगी इसके अंदर, MSG आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। 1 कप चॉप शिमला मिर्च ऐड करी मैंने इसमें, और 1/2 लेमन जूस जाएगा इसके अंदर। इन सबको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन का कीमा पकने तक अच्छे से पकाएंगे इसको। जब तक कीमा पकता है हम आटा गूंद लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 किलो आटा लिया है, मैदा लिया है सॉरी। इसमें मैंने 1 टीस्पून अजवाइन डाली है, 1 टीस्पून क्रश ब्लैक पेपर ऐड किया है, नमक ऐड किया टेस्ट के हिसाब से, और 1 कटोरी गरम करके घी ऐड किया है। इसको मैं मीडियम सॉफ्ट डो गूंद लूँगी। आटा गूंदने के बाद हम इसके एक पेस्ट्री के लिए 8 पेड़े रेडी करेंगे और उसके पतली पतली रोटी बेलेंगे। ये देखिए आटे का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए घी डालने के बाद। एक पेस्ट्री बनाने के लिए 8 पेड़े रेडी किए हैं मैंने, जिसको मैंने बारीक सा बेल लिया है, और एक मिक्सचर रेडी किया है मैंने घी और मैदे का, जो हम हर बेले हुए पेड़े पर अप्लाई करेंगे, और 8 की 8 रोटी एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाएंगे मिक्सचर अप्लाई करते करते। बाज़ार से भी अच्छी बनेगी ये पेस्ट्री आपकी, ये प्रॉमिस है मेरा। आप ज़रूर ट्राई करिए मेरी रेसिपी को। यहाँ पर देखिए 8 लेयर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसे टाइटली फोल्ड करेंगे। और हाथ से रोल करेंगे अच्छे से। अब मैं इसे शार्प नाइफ से इक्वल शेप में कट कर लूँगी। डायरेक्ट कट नहीं करना है हमें इसे, स्लोली स्लोली ऐसे कट करेंगे हम इसे, ताकि एकदम शेप में हमारे पेड़े कटें। एक रोल में हमारी 8 पफ रेडी हुए हैं। यहाँ पर देखिए पेड़े को मैंने हाथ से प्रेस करके फिर अभी से थोड़ा सा आटा लगाकर राउंड शेप में बेल लूँगी, फिर उसे स्क्वायर शेप में कट करेंगे हम।
अब जो चिकन की कीमे की फिलिंग है वो इसमें ऐड करेंगे। फिर चारों तरफ पानी लगाकर पेस्ट्री को बंद कर देंगे। अच्छे से दबा दबा के प्रेस करेंगे ताकि फ्राई होते टाइम ये खुले ना। गैस पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। ऐसी मैं सारी पेस्ट्री रेडी कर लूँगी। यहाँ पर देखिए चिकन पफ बिल्कुल रेडी है। कितने लेयर्स बने हैं माशाल्लाह। इसमें देखिए आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे चिकन पफ बिल्कुल रेडी हैं। आप इसके लेयर्स देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं ये लेयर्स भी, और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। बाज़ार से भी अच्छा टेस्ट है इसका। आप ज़रूर बनाइए मेरी रेसिपी को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी रेसिपी को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।